भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी हल्द्वानी पहुंचे। उन्होंने बीजेपी चुनाव संभाग कार्यालय में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सुरेश जोशी ने कहा कि आगामी चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी अभी से सभी तैयारियां पूरी कर रही है। इसी के तहत बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारी जगह जगह प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा, धामी सरकार ने जो जनता से वादे किए उसी पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे समान नागरिक संहिता हो या फिर अन्य मामले में, प्रदेश की युवा मुख्यमंत्री पूरी संवेदनशील तरीके से राज्य के समग्र विकास और पारदर्शी शासन देने का काम कर रहे हैं। प्रवक्ता जोशी ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से किए गए कार्यों की मोहर हरिद्वार पंचायत चुनाव में लगी है, जहां बीजेपी प्रचंड तरीके से जीती है। इसके साथ ही उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश सरकार ने मुहिम चलाई है, जहां भर्तियों के मामले में कई आरोपियों को सरकार ने जेल भेजने का काम किया है। सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ भर्तियों में हुई घोटाले की जांच करवा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी पाया जाएगा उसके खिलाफ एसआईटी कार्रवाई करेगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में इस तरह की प्रेस वार्ता मध्यमाते कर रहे हैं। उसी क्रम में कल अल्मोड़ा और नैनीताल में किया था, उसके बाद में आज हल्द्वानी में। सरकार ने अपना होमवर्क प्रारंभ करके काम करना शुरू किया है और उसके लिए हम लोगों ने कमेटी भी बनाई और आजकल उसमें पूरे प्रदेश से कमेटी सुझाव ले रही है। ऑनलाइन हम लोग उसका सुझाव ले रहे हैं और 22 तारीख तक 22 अक्टूबर तक उसमें जनता के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और आशा और उम्मीद है और इस प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी हम लोगों ने बात की। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जी जब दोबारा मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ दी, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई मैं जितने सरकारी पद हैं जो भी संगठन और सरकार दोनों का फोकस उत्तराखंड के हर स्तर के डेवलपमेंट पे है, हर स्तर के विकास पे है। जहां एक और धामी जी के युवा नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, युवाओं को रोजगार देने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं।